नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कच्चे आम का पापड़ बनाना सिखलाएंगे। इसके पहले पका हुआ आम का आपको पापड़ बनाना, आम पापड़ सिखलाए हैं। इसके लिए हम 3 आम ले लिए हैं और इसको काट कर छील कर इसको हम ग्राइंडर में बिल्कुल पतला पीस लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट कर इसको हम पीस लिए हैं। और इस तरह से जब पीसा जाए तो इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे। 2 मिनट तक इसको लगातार चलाएंगे। अब इसमें हम चीनी डाले हैं तो 3 आम में 6 चम्मच हम चीनी डाले हैं और अब काला नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब। अब ये चाट मसाला डाले हैं 2 चम्मच और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, ये 1/2 चम्मच हम इसमें डाले हैं। और इसमें हम 2 पिंच ग्रीन कलर, क्योंकि हम कच्चा आम का पापड़ बना रहे हैं तो इसको इसमें हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं जिससे देखने में अच्छा लगता है। आप इसको कलर नहीं पसंद करते हैं तो फूड कलर की बजाय आप प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए फूड कलर डाले हैं। अब एक थाल को तब तक हम ग्रीस करके रखेंगे और मेरा ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको थाल में पलट लेंगे और फैलाकर धूप में 2 दिन सुखाए हैं और देखिए 2 दिन सूखने के बाद हाथ में नहीं चिपकता है। तब हम इसको साइड से पहले छुड़ा लेंगे चारों तरफ से चाकू की मदद से, चारों तरफ धीरे धीरे करके उसको छुड़ा लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको अभी पीस पीस काट रहे हैं और इसको हम प्लेन पापड़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पीस पीस काट कर मार्केट में जब देखिए कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट एकदम आर पार सुंदर सा दिख रहा है। इसको मार्केट में जैसे स्लाइस स्लाइस को एक दूसरे पे रख कर बनाया जाता है, मार्केट में मिलता है, उस तरह से हम बना रहे हैं। तो एक स्लाइस के ऊपर एक स्लाइस को हम रखते जाएंगे और जितने हम मोटी आपको चाहिए उतना बना सकते हैं। और ये देखिए एक एक करके मेरा सारा पापड़ को एक ऊपर में रख रहे हैं और इस तरह से इसको हम तैयार कर ले रहे हैं। और जो टूट जा रहा है उसको हम लोग गोलाई में शेप दे करके या ऐसे ही खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई